संसद का मानसून सत्र जारी है। संसद में कृषि से जुड़े दो बिल को ध्वनि मत से राज्यसभा में पास करवाया जा चुका है। इन बिलों को पास करवाते वक्त विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। वहीं अब नाराज विपक्ष के जरिए राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गए हैं। बिल ध्वनि मत से पास हुए, इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया। हालांकि उच्च सदन से बिल पास हो गए हैं, जिसके बाद अब विपक्ष राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि इस बिल के पास होने पर यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। अजय कुमार लल्लू ने इस बिल को किसान विरोधी बताया है और केंद्र सरकार को कॉरपोरेट सरकार करार दिया है। जनमत जहां पूरी तरह आज विद्रोह की स्थिति में, किसान आंदोलित सड़कों पर है, रोज अध्यादेश का विरोध कर रहा है, सरकार संख्या के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। यह बिल किसान विरोधी है। लगातार आंदोलन को सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती? इस अध्यादेश के अंतर्गत जमाखोरी को बढ़ावा, इस अध्यादेश के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रणाली को पूरी तरह लागू करना, छोटे मझोले जो हमारे किसान हैं उनकी जमीनों को जबरन छीनने की तैयारी इस सरकार के द्वारा की जा रही है। आखिर सरकार किसानों की बात को सुनना क्यों नहीं चाहती, जब पहले भी इस बिल के विरोध में कांग्रेस ने लोकसभा में अपने पक्ष को रखा था। आज यूथ कांग्रेस के हमारे पंजाब के सारे साथी ट्रैक्टर टाली के साथ दिल्ली के संसद घेराव को पहुंचे हैं। पिछले समयों में लगातार हरियाणा में, पंजाब में, अन्य प्रदेशों में इसका भारी पैमाने पर विरोध हो रहा है। यह सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। टीएमसी सांसद एमपी डेरेक ओब्रायन ने, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह सरकार ने चीट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट के हर रूल को तोड़ा है। यहाँ तक कि जो भी पार्लियामेंट में इसमें हुआ है, राज्यसभा के उन सीन को हटाया गया है, उस वॉइस को काटा गया है, पूरी तरह से सेंसर्ड लगाया गया है राज्यसभा टीवी पर, क्या कहेंगे? तमाम आरोप लगाए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या की गई है, दमन की राजनीति की गई है, जो संसद की गरिमा है उसको तार तार किया गया है। देश में जब कोई सांसद जनता के द्वारा चुनकर जाता है, उसका यह धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो जनता की जनभावनाओं के समस्याओं को सदन में उठाने का काम करे। अगर विपक्ष संसद में अगर इसका विरोध कर रहा है, इस बिल का पूरी प्रामाणिकता के साथ उस बहस का हिस्सा बन रहा है, सरकार संख्या के बल पर पूरी तरह अलोकतांत्रिक तरीके से और खासकर पीठ की गरिमा को भी तार तार करते हुए जबरन बिल पास कराना सरकार की मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। यह सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, यह सरकार किसानों के खिलाफ बिल लाकर पूरी तरह यह साबित कर रही है कि यह सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है।